महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में से पास हो चुका है। आपको बता दें कि सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर आपको बता दें कि कल से ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। विपक्ष जहां विरोध कर रहा था, हालांकि महिला आरक्षण बिल का कई पार्टियों ने स्वागत किया है, लेकिन कोटे को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिलहाल ये बड़ा अपडेट, इस वक्त महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। संशय करने की जरूरत नहीं है। नियरली शब्द प्रयोग केवल और केवल जहां एक तिहाई का भागाकार नहीं होता है वो संख्या के लिए रखा गया है, और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन आप वापिस ले, ऐसा मेरा निवेदन। सब्जेक्ट टू दैट क्लैरिफिकेशन आई एम विड्रॉइंग द अमेंडमेंट। ओके, असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे? सर आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। सर आई एम मूविंग माय अमेंडमेंट सर, एंड आई एम आस्किंग फॉर अ डिवीजन ऑन इट सर। आपके पक्ष में कोई नहीं है अल्लाह। ओके, प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन 37। लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। तो महिला आरक्षण बिल आपको बता दें कि लोकसभा से पास हो चुका है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पास हो चुका है, ये बड़ी जानकारी है।